है कि माला कमान के साथ हैं, भाभी यही कहा है सब लोगों ने। और एक बात सुनिए, जब चीफ विप 7 बजे बुलाता है चीफ ने ये कहता है कि आप 5 बजे आ जाइए, ठीक है ना, तो वो आदमी जो एमएलए हैं वो तो ये समझ रहे हैं चीफ विप ने भाग ले जाएंगे आज, सचिन पायलट दिल्ली जाएंगे आज, ये वही बात। सर आपकी बात क्या हुई पायलट साहब से ये बता दीजिए। मेरी बात क्या हुई है, मेरी बात ये हुई है कि क्या नाम है, हम आला कमान के साथ हैं, ये बात हुई है, हम आला कमान के साथ हैं, आला कमान का जो फैसला आएगा वह मंजूर। गहलोत साहब को क्या दिक्कत है, पायलट पायलट से गहलोत साहब को क्या, अभी पायलट साहब से पूछ लेना, गहलोत साहब को पायलट साहब से क्या दिक्कत है, गहलोत साहब को क्या दिक्कत है पायलट साहब से, ये उनसे पूछिए ना, उनसे जाके पूछिए, विधायक मेरे साथ है, नहीं उनसे ही जाकर पूछिए, उनको 35 साल रखा है हमने, समझ गया बात को, अब वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो फैसला आला कमान करेगा। आप क्या चाहते हैं, ये फैसला आला कमान, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम तो कहते हैं आला कमान के साथ हैं भाई, आला कमान का फैसला मंजूर है हमें, हमारी राजनीति आला कमान के अलावा कुछ भी नहीं है, उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, जो फैसला करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, यहाँ पार्टी टूट रही है, ऐसे नहीं टूटती पार्टियां, ये तो चलता रहता है, बड़ी पार्टी है इसमें छोटा मोटा काम होता रहता है। कह रहे हैं ना गहलोत साहब बगावत कर चुके हैं, वो तो आप पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल है नहीं, मैं तो वो आपको पता है ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको पता है। थैंक यू सर।